इस गाड़ी में कौन है देखो ना, जो होटल में साउथ इंडियन साउथ साइड में मिलता है वो वाली चटनी। अरे उसको मैं झूठ बोली थी कि डैडी नहीं आ रहे। कम हो गया है ये लॉक खुले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज पतिदेव वापस आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो उनके आने की कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं कर रही हूँ, बस हल्का फुल्का। तो पहले आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ कि आज का वेदर कैसा है। सो, आज का वेदर कुछ ऐसा है, हेवी स्नोफॉल और ये रात से ही चल रहा है, अभी भी हो ही रहा है। पता नहीं वीडियो में हल्का हल्का शायद आ रहा होगा। एंड व्यू ही देखने लायक रहता है, बस और कुछ नहीं। बहुत सुंदर सा व्यू है, अभी शायद सनराइज भी हो रहा है। रिधान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खास करके जब वीकेंड में स्नोफॉल होना तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। सो ये है। एंड आज मैं बना रही हूँ इडली, बट वो सूजी वाली नहीं बना रही हूँ, मैंने प्रॉपर चावल भिगो के पीस के किया है एंड ये बहुत अच्छा से फर्मेंट हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने सांभर की दाल चढ़ा दी है, दाल हो गया है एंड यहाँ पे सब्जी कट करके रखा है एंड यहाँ पे मेरा है इमली का चटनी। तो बहुत इजी सा सांभर सा रेसिपी, फटाफट से बनने वाला, ज़्यादा तामझाम वाला रेसिपी नहीं है। एंड अभी चटनी की तैयारी करनी है, पहले मैं थोड़ा घर ठीक कर लूँगी क्योंकि उनको आने में 12-1 बज जाएगा। तो अभी चलते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं ना आपको एक साउथ इंडियन चटनी के बारे में बताती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम जीरा को भून लिया है एंड साइड में रख लिया है एंड यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। अब इस पे मैं डालूँगी कटी हुई अदरक, कटी हुई लहसुन एंड इसे 2 मिनट तक सौटे करना है। ये जब 2 मिनट तक सॉटे हो जाए तो इसमें ऐड कर दूंगी 1 कटा हुआ प्याज, अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, इसे चला लीजिए अच्छे से। टमाटर के साथ साथ मैं डालूंगी इसे 2 खड़ी लाल मिर्च सूखी हुई, आप चाहो तो और भी डाल सकते हो अपने तीखापन के अकॉर्डिंग। एंड मैं यहाँ पे कश्मीरी रेड पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच से, बड़े चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, इसको मिक्स कर लीजिए। एंड इस पर अब ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट ऐड करके इसे बस मिक्स करके ढक के छोड़ दीजिए, ढक के छोड़ देना है इसे। अब ढक के छोड़ दीजिए, इसे बनने दीजिए। अब ये हो चुका है, गैस ऑफ कर देना है। मैं जो चने दाल और जीरा फुलाकर रखी थी वो इसमें ऐड कर देती हूँ अभी एंड ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देती हूँ एंड जब ठंडा हो जाएगा तो इसे पीसूँगी। चटनी मैंने पीस लिया है एंड कलर बहुत सुंदर आया है चटनी का। अब यहाँ पे मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तो तड़का के लिए ऑयल डाल लिया है एंड इसमें सरसों, 1 लाल मिर्च एंड करी पत्ता ढेर सारा ले ली हूँ। तो हो गया है, आप नमक अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, अगर कम होगा तो चेक करके इसमें नमक और ऐड कर सकते हो। हो गया बिल्कुल जो होटल में साउथ इंडियन साउथ साइड में मिलता है वो वाली चटनी रेडी, सिंपल इजी स्टेप पे। मैंने यहाँ पे मूंगफली की भी बनाई हूँ, इसे भी तड़का लगाती हूँ फटाफट से। सो गाइज, अभी मेरी ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, पतिदेव से बात हुई है तो वो लैंड तो कर गए हैं बट अभी तक वो रनवे में हैं, रनवे में थे 45 मिनट्स। उसके बाद अभी इमिग्रेशन के लाइन में, इमिग्रेशन में बहुत लंबी क्यू है,
अभी राजेश की आगे 100 लोग है, तो आराम से 1-1.5 बजेगा राजेश को यहाँ आने में, क्योंकि उसके बाद फिर वो बैग पिक करेंगे, उबर करेंगे, न्यूयॉर्क से आने में टाइम लगेगा, बहुत कुछ है। तो अभी देखते हैं कितने टाइम तक पहुँचते, अभी तो इमिग्रेशन की लाइन में ही है, तो बस मैं वेट कर रही हूँ। एंड वेट करते करते मैंने 6-7 इडली खा लिया। इडली अच्छी बन गई, मतलब राइस वाली मैं बहुत दिन के बाद बनाई थी, बहुत अच्छी इडली बनी है। बट एक प्रॉब्लम हो गया था, मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो जितना उसको फूलना चाहिए था उतना नहीं फूला, पर सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, और बहुत वाइट वाइट इडली दिख रही, बहुत अच्छी लग रही है। सो बस अब पति देव का इंतज़ार ही हो रहा है। जितनी गाड़ियाँ आ रही है ना, मैं सबको देख रही हूँ, लेकिन अभी तो वो इमिग्रेशन के लाइन में, फिर भी मेरी ऐसे आंखें बाहर लगी हुई है। तो मिलती है आपसे जब वो आते तब। 2,000 years later चलो 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 जल्दी। चलो तो इधर चलो, इधर हाँ उधर चलो। देखो तो इस गाड़ी में कौन है, इस गाड़ी में कौन है, देखो ना, देखो तो इधर, देखो तो कौन है इधर, कौन आया? डैडी, डैडी, बोलो डैडी, ओपन योर डोर। मैं तो ऐसी आ गई हूँ, ठंडी लग रही है, बाप रे बहुत ठंड है। डैडी, एक प्रॉब्लम हो गया है, ये लॉक लॉक खुल ले रहा है। अरे उसको मैं झूठ बोली थी कि डैडी नहीं आ रहे। ओके चलो तो गाइस फाइनली हम लोग घर के अंदर आ गए हैं, एंड एक की कार में था, और कल जब मैं कार ओपन की थी तो शायद उसको लॉक नहीं करी थी, तो उसकी वजह से की निकल गया। कार वैसे गैराज में रहती तो सेफ ही रहता है, तो चलो अच्छा है निकल गया। अभी मैं जल्दी जल्दी से इडली चढ़ाती हूँ, वैसे बन के रखा है, लेकिन एक गरम भी चढ़ा देती हूँ जब तक राजेश नहा रहे। एंड रिधान तो कंगारू की तरह चिपक्का हुआ है, उनसे छोड़ नहीं रहा है, तो वो भी अपने डैडी के साथ ही नहा रहा है। तो जल्दी से फिर मैं उनको लंच कराऊंगी। उनका डैडी प्यार चल रहा, खाएगा तो डैडी के साथ ही। क्या चीज़ खट्टा है? ऑरेंज, एक आध खट्टा निकल गया उसमें। अरे वो दूध देखिए उसका रखा हुआ था, वो उसको मत दीजिए लड्डू। तुमको भी दूंगी कि एक। बाप रे डैडी प्यार, रिच डैडी पुअर डैडी। अरे वाह, मेरा फेवरेट मिक्सचर आ गया है। खाचली, ये मम्मी दी है काजू कतली मिक्सचर। बैग तो खुल गए, एक बैग हमने खोला है जिसमें मेरे खाने पीने की चीज़ें आई है। तो ये है आंवला मुरब्बा जो मैंने मंगाया था पतंजलि का, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे खोलती हूँ। टाइट पैक है ना, देख के तो यमी सा लग रहा है। देखो अभी मैं ये खाऊंगी, पहले पहले मैं एक ही खाऊंगी, पहले ज्यादा नहीं, स्पून में इसमें डाल देती हूँ। आपको, आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मेरे लिए क्या क्या आया है। फिलहाल इस बैग में तो सिर्फ मेरे खाने पीने की चीज़ है, यानी ये मेरा आंवला मुरब्बा।